हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवल पोर्टली पर। और आज के हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे। तो आज हम जा रहे हैं बिल्केश्वर महादेव मंदिर में। आपको दिखाई दे रहा होगा गेट, जो कि है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस चौक पे, और सामने है बिल्केश्वर महादेव चमनेर जी का द्वार भी आपको दिखाई दे रहा होगा। 1/2 किलोमीटर यहाँ से है गाँव चमनेर में, और नीचे वाला जो रोड आ रहा है ये हमीरपुर से, और ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है जाऊँ की तरफ। जाऊँ यहाँ से 24 किलोमीटर है, और चमनेर गांव की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो उससे पहले ही 1/2 किलोमीटर दिखा रहा है मंदिर। बाकी ये रोड ताल की तरफ भी जाता है, ताल यहाँ से 6 किलोमीटर है। और इधर है शनिदेव महाराज जी का मंदिर, सामने आपको मूर्ति दिखाई दे रही हनुमान जी की। तो फिलहाल हमें जा रहा है सीधा मंदिर की तरफ, तो निकलते हैं वही मंदिर की तरफ और करते हैं अपनी आज की ब्लॉग की शुरुआत जय बिल्केश्वर महादेव जी के नाम के साथ। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं चमनेर, यहाँ स्कूल भी है राज्य माध्यमिक पाठशाला। तो जाएंगे सीधा मंदिर की तरफ, तो ये सीधा रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। सामने मंदिर की सीढ़ियाँ भी दिख रही हैं यहाँ से, तो ये रास्ता है मंदिर के लिए। बाकी शौचालय भी है सामने, सामने वहाँ पर जूते खोलते हैं, ऊपर चलते हैं। अभी हम मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो दिखाते हैं आपको भी। तो कुछ ऐसा सजाया हुआ है रास्ता फूलों के साथ। तो यहाँ कुछ वाटिका भी बनी हुई है और सामने देख सकते हैं आप शेर का मुंह है, और इसी के अंदर हमको जाना है। अभी हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ जी की मूर्ति के पास। बाकी भाई मंदिर में ना ऊपर काफी खूबसूरत वाटिकाएं बनाई हुई हैं, और जैसे कि एक ये है नीम वाटिका, तो ये नीम का पेड़ है शायद। और ऐसे ही ऊपर तक काफ़ी मंदिर को सजाया गया है ऊपर। बाकी फिलहाल हमने कर लिए हैं दर्शन, और अब चलते हैं भाई नीचे और निकलते हैं घर की तरफ। तो ये थी हमारी बिल्केश्वर महादेव की यात्रा, मंदिर रोड के बिल्कुल साथ ही है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ लगता नहीं है। बाकी आप साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए जय बिल्केश्वर महाराज जी।